हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS राउंड 2023 एंड 24 के जो अभी करेंटली गोइंग ऑन है, एंड उसमें आपको एडमिशन विदड्रॉ कराना है, रिफंड कराना है, या डबल पेमेंट हो गई हो, या कितनी उसकी फ़ीस लगेगी एडमिशन विदड्रॉल का, तो पूरी डिटेल आपको वीडियो में दूंगा। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आज आप इतने हेल्पलेस हो तो सोचो उन बच्चों का जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती, एंड उनकी कैसे हेल्प होगी। तो उनके लिए गाइस एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल हैंडल्स पर शेयर करिए ताकि ये उन बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँच पाए और उनको पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो तुम्हारे बारे में सोचता है। तो गाइस इतनी सी मेरी हेल्प कर दो। तो बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, वो पोर्टल जैसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ पोर्टल आपको दिखाई देगा, वो ऐसा कुछ पोर्टल आपको दिखाई देगा जिसमें एक तरफ रेड बटन में यहाँ एडमिशन विड्रॉल लिखा होगा। गाइस जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है उनको विड्रॉल पे क्लिक नहीं करना, लेकिन जिनको विड्रॉल करवाना है क्लिक कर दोगे कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, लेकिन जिनको करवाना है विड्रॉल तो यहाँ रेड बटन पे एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे देख सकते हो, ये रेड बटन में एडमिशन विड्रॉल लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, इस पे आपको क्लिक करना है गाइस। तो उससे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि इसके रूल्स क्या क्या हैं, कि लाइक इस पे क्लिक करने के बाद क्या क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स ये कहते हैं गाइस, आप देख सकते हो ये वाले रूल्स हैं, ठीक है। एक तो इसका विड्रॉल का और एक है रिफंड पॉलिसी, ठीक है। तो कैंडिडेट, मैं पढ़ के बताता हूँ विड्रॉल के की रूल्स आपको क्या फॉलो करने हैं। अ कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन इन अ प्रोग्राम बट विशेस टू विड्रॉ फ्रॉम इट कैन डू सो थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड बाय सेलेक्टिंग विड्रॉ ऑप्शन एंड पेइंग अ विड्रॉल फीस ऑफ 1000 रुपीज। तो गाइज आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे जस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये रूल है इनका, ठीक है। A candidate who withdraws his or her admission will forfeit his or her eligibility for admission for UG program of UD. No further participation in any subsequent regular allocation round, if any, will be allowed. तो guys, अगर आपने withdraw कर दिया ना, तो आपको ये मत सोचना कि आपको second round में आपने withdraw कर दिया तो third round में आप allowed हो जाओगे, नहीं होगे, ठीक है। आप तीनों राउंड से बाहर हो जाओगे, इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सिर्फ अलाउड होगे स्पॉट राउंड में अगर वो आता है, लेकिन उसमें भी आपको यस करना पड़ेगा तब जाके। अब रिफंड का क्या सीन है, ये तो विड्रॉल के लिए हो गया कि विड्रॉल कराओगे तो 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे। ऑन द अकाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय कैंडिडेट फुल एडमिशन फी विल बी रिफंडेड ओनली इफ द कैंडिडेट हैज़ विड्रॉल हैज़ बीन मेड फॉर विद, मतलब उसने अगर विड्रॉल किया, जो आप विड्रॉल करोगे वो एडमिशन लास्ट एडमिशन डेट से पहले का है, मतलब लास्ट एडमिशन डेट जो होती है उससे पहले का अगर विड्रॉल है तो लाइक तब आपकी फुल एडमिशन फीस रिफंड हो जाएगी। एडमिशन फीस फॉर विड्रॉस डन आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सरकमस्टांसिस। तो गाइस अगर आपने एडमिशन होने के बाद विड्रॉ किया, लाइक जब डेट नहीं थी, फिर आपकी कोई भी मतलब पॉलिसी के हिसाब से रिफंड नहीं होगी फेस किसी भी सरकमस्टांस में। रिफंड विल नॉट बी डन इन फॉलोइंग सी एस एस यूजी एप्लीकेशन फीस। मिड एंट्री की आपकी कोई रिफंड नहीं होगी, विड्रॉल फी की आपकी कोई। ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशन रिफंड पॉलिसी विल बी इनिशिएटेड एंड द यूओडी विल ट्राई टू सेटल द रिफंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ एडमिशन। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं 3 महीने लगेंगे, यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि 3 महीने लग सकते हैं आपके रिफंड को आने में, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ना, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकारी प्रोसेस है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो गाइस अब हम चलते हैं उस पोर्टल पर वापस। ये रहा हमारा पोर्टल, देख सकते हो यहाँ पे हम जैसे ही विड्रॉ एडमिशन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे विड्रॉ या पोर्टल खोल लेना है आपको। पोर्टल पे आप जाओगे तो यहाँ दिखेगा विड्रॉ एडमिशन, ठीक है। विड्रॉ एडमिशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना,
तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कैंसिलेशन विल बी डन आफ्टर पेइंग द सक्सेसफुल फी ऑफ 1000, और यहाँ नीचे रेड बटन में लिखा होगा पे कैंसिलेशन फीस। तो जैसे ही आप पे कैंसिलेशन फीस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पेमेंट करनी होगी 1000 रुपये की उनको, एंड वहाँ पे आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, कैंसिलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। लाइक फर्स्ट में जो भी आपका पेमेंट होगा, आपको 1000 रुपये पे करने होंगे और आपका रिफ़ंड इनिशिएट करेंगे वो लोग। कैंसिलेशन हो जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा पोर्टल आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन विड्रॉल लिखा आएगा और नीचे एक येलो बटन में क्लिक टू प्रिंट विड्रॉल रिसिप्ट। ये रिसिप्ट आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने विड्रॉ किया था, तो एप्लीकेशन का आपके पास प्रूफ है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा विड्रॉ करने का। तो गाइज़ अब हम चलते हैं रिफ़ंड पे। मैंने बता दिया रिफ़ंड आएगा कितने महीने में। एक्चुअली रिफ़ंड जो आएगा आपका वो 3 महीने में आता है लास्ट, मतलब टोटल 3 महीने के अंदर आता है रिफ़ंड, ठीक है। तो आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। लाइक आपको मैक्सिमम जो टाइम होता है वेटिंग टाइम, वो 3 महीने होता है, ठीक है। तो रिफ़ंड के लिए अगर आप परेशान मत होना, बिकॉज हो सकता है रिफ़ंड 1 वीक में आ जाए, 2 वीक में आ जाए, 1 महीने में आ जाए। 3 महीने बाद अगर फिर भी रिफ़ंड नहीं आता, तो आपको कैंपस विज़िट करना पड़ेगा। जो इस कैंपस से आपने जिस जो कैंपस एलोकेटेड था ना आपको, वो कैंपस आपको विज़िट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो कैंपस विज़िट करोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जाना होगा और ट्रांजेक्शन आईडी दिखानी होगी, अपने बैंक की ट्रांजेक्शन आईडी दिखानी होगी, और वो आपकी पेमेंट को आगे एलिवेट कर देंगे और हो जाएगा फिर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आती है गाइस कि डबल पेमेंट। तो डबल पेमेंट में आपको क्या करना है, लाइक किसी ने 2 बार पेमेंट कर दी हो एडमिशन के टाइम पे, तो गाइस डबल पेमेंट में ये सीन होता है। देखो, आपने जो पेमेंट पहली बार करी थी ना, वो अनसक्सेसफुल हो गई होगी, तो वो रिवर्ट बैक कर दी जाएगी आपके अकाउंट में कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन, और आपकी सेकेंड पेमेंट जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग। तो ये चीज़ है, डबल पेमेंट में आपकी जो रिफ़ंड है वो आ जाएगा, डोंट वरी। वो आपके पैसे रखेंगे नहीं, वो आपके रिफ़ंड कर देंगे पैसे डबल पेमेंट के सीन में। आपने 3 बार भी पेमेंट करी होगी, तो 2 बार के पेमेंट के पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है, लाइक डोंट पैनिक, एंड आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि इस बैंक का इशू होता है, ठीक है, ये भी इशू एक आता है जहाँ पर रिफ़ंड आपका इनिशिएट नहीं होता। आपके बैंक में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका रिफ़ंड आता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक बार चेक कर लेना, बैंक इशू भी एक बार चेक कर लेना कि बैंक इशू भी होता है। वहाँ पे भी जाके कुछ पता चलता है कि लाइक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल आ नहीं रहा, तो गाइस वो चीज़ भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको चेक करनी होगी, ठीक है। अगर आप क्या नाम है अप्लाई कर रहे हो इन चीज़ों में, एंड इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी वे, तो आप UOD को मेल कर सकते हो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इस रिगार्डिंग। तो यही कुछ था वीडियो में। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपका डाउट अगर वैलिड होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, बट मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। अगर जो वैलिड कमेंट होते हैं मैं उन्हें ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वहाँ से मेरे से आके आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ आपको मिलूँगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, वो टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो
आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है, एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।